दुनिया का सबसे आसान तरीके से 1/5 यानी 15 नंबर से तिरंगा का चित्र बनाना। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ पर आपको पहले एक 1 नंबर लिखना है और इधर से आप एक 5 नंबर लिखिएगा। एक लाइन इधर जाएगा, नीचे करिएगा और यहाँ पर आप ऐसे कर देंगे एक 5 नंबर। 5 नंबर लिखने के बाद दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसको आपको नीचे की तरफ यहाँ से ऐसे लाइन को बढ़ाना होगा। इसको थोड़ा और आगे ले जाइएगा, फिर यहाँ से एक लाइन आप इधर ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक लाइन इसी के नीचे से ड्रॉ करिएगा, एक यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ऊपर से आप ऐसे इसको मिला दीजिएगा। यह हमारा लहराता हुआ तिरंगा का चित्र बनेगा। और गाइज, आप कमेंट बॉक्स में जाकर भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। यहाँ से ऐसे करिए, इसको डार्क करिएगा और इधर आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर ऐसे लाइनें ड्रॉ कर दीजिएगा। और गाइज, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन भी है, अगर आपको पता है यहाँ पर पूरे बीच में कितनी तीलियाँ होती हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर इसके बाद इसको हल्का सा ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से यूं मिलाइए। इसके बाद दोस्तों यहाँ से ऐसे जाएगा आपका, फिर इधर ऐसे करिएगा और ये वाला पोर्शन करते हुए यहाँ पर मिला दीजिएगा और इधर से ऐसे कर देंगे। ऊपर के साइड से भी यहाँ से हल्का सा ऐसे डार्क कर दीजिए, इधर भी डार्क कर देंगे। डार्क हो जाने के बाद आपको स्केल उठाना है, इसको हल्का सा इधर बढ़ाएंगे, यहाँ से ऐसे लाइन बढ़ाइए। अब ध्यान से देखिएगा, इधर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। इसके बाद दोस्तों इस लाइन को कर दीजिएगा आसानी से डबल। डबल हो जाने के बाद यहाँ पर मिलाएंगे, छोटे छोटे सर्किल बनाइए, यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करके छोटा छोटा पॉइंट, इधर भी ऐसे पॉइंट लगा दीजिएगा। इधर से एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर ऐसे आप ग्रास बना देंगे और इधर से यूँ कर दीजिएगा। देखिए कितनी आसानी से दोस्तों हमारा तिरंगा का चित्र बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर लिख दीजिएगा जय हिंद। चलिए अब हम आसानी से कलर भी करना सीख लेते हैं।